सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्री रामनवमी के बारे में जो कि आने वाली 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार को पड़ रही है। श्री रामनवमी जो है अपने आप में काफ़ी शुभ मुहूर्त है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है जन्म हुआ था। तो भगवान राम जी का जन्म जो है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अप्रैल माह में हुआ था और ये आखिरी नौरत की तिथि होती है, यानी कि इस दिन आखिरी नौरता होता है। इस दिन भगवान राम जी को जो है वंश को सूर्य वंश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन को जो है अयोध्या में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है पूरे भारत में और जहाँ भी भगवान के लाखों करोड़ों भक्त हैं पूरी दुनिया में। इसी दिन जो है लाखों करोड़ों भक्त जो है भगवान के अयोध्या की पवित्र नदी में सरयू में जो है डुबकी लगाई जाती है, क्योंकि काफ़ी पवित्र नदी है सरयू नदी। तो सभी भक्तगण वहाँ अयोध्या में जो है डुबकी लगाते हैं। इस दिन डुबकी लगाने का बड़ा महत्व है। इस दिन व्रत उपवास करना चाहिए और पूरे दिन जो है फलाहार भोजन करने के बाद जो है सॉरी फलाहार करने के बाद शाम को एक समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान राम जी की जयंती के रूप में उसे मनाया जाता है और इस दिन नौरतों का नौरता होता है, यानी कि आखिरी दिन समापन होता है नौरतों का। तो इस दिन जो है माता सिद्धिदात्री की पूजा भी की जाती है, इसे दुर्गा नवमी और रामनवमी दोनों के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि नवमी तिथि का जो है बहुत ही महत्व है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का जन्म होने के कारण ये अपने आप में वैसे भी बहुत ही शुभ है। तो इस दिन जो है आपको नहा धोने के बाद स्नान करके सुबह जल्दी तैयार हो जाना चाहिए और पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। उसके बाद जो है व्रत का संकल्प लेके व्रत करें, फलाहार पूरे दिन रखें व्रत को, और रात के समय जो है रात्रि दिन छुपने के बाद एक समय भोजन करें। भगवान राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी और माता सीता जी की पूजा करें, साथ ही हनुमान जी की भी पूजा करें। राम जी के मंत्रों का उच्चारण करें, राम रक्षा स्रोत हनुमान चालीसा हनुमान जी के नाम लें, हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। ये हनुमान जी जो है प्रभु श्री राम जी के परम भक्त हैं, तो उनका जाप करना और प्रभु राम जी का जाप करना इस दिन आपके लिए जीवन में आपके सुख समृद्धि लेकर आ सकता है। तो इसलिए प्रभु राम जी के साथ साथ माता सीता जी हनुमान जी और लक्ष्मण जी का भी आप ध्यान करें, उनका नाम लें और सुबह शाम दोनों समय जो है पूजा पाठ करें। साथ ही इस दिन आखिरी नौरता होने के कारण माता सिद्धिदात्री की भी पूजा की जाती है, क्योंकि माता सिद्धिदात्री को जो है सभी सिद्धियाँ देने वाली देवी कहा गया है। तो रामनवमी और दुर्गा नवमी जो एक ही दिन पड़ती है इसका बड़ा ही महत्व है, क्योंकि रावण को ये वरदान मिला हुआ था कि वो किसी देवता गंधर्व किन्नर अक्षय के हाथ से नहीं मरेगा। तो इसलिए भगवान विष्णु जी के अवतार प्रभु श्री राम जी का जो है इस दिन जन्म हुआ था। तो अप्रैल का माह था, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी जो कि बहुत ही शुभ तिथि अपने आप में। इसी दिन भगवान राम जी का जन्म हुआ था। तो आज आपने जाना रामनवमी के बारे में। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।